गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. ओके सो लेट्स बिगिन. सो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ डॉक्टर साहिल विल बी टीचिंग यू थर्मोस्टैट. सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू विद द मॉड्यूल जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. थर्मोस्टैट इज एक्चुअली कंस्टिट्यूटिंग ऑफ थ्री डिफरेंट चंक्स. वन इज थर्मोडायनामिक्स. कभी पढ़ा है पूरी जिंदगी में आप लोगों ने ये टॉपिक? यस सर. यस सर. कब? कब? थर्ड सेमेस्टर में. बीएससी ऑनर्स फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर. या करेक्ट. यस सर. आफ्टर दैट आई वुड आल्सो बी टीचिंग यू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. प्लस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, विच आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ यू माइट बी न्यू टू इट, बिकॉज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज अ मॉड्यूल विच इज टॉट टू यू पीपल इन बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सिक्स सेमेस्टर. डीयू के कोर्स का बात करें या किसी भी यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के अगर सिलेबस की बात करें तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक मॉड्यूल है जो आपको सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है. थर्मोडायनामिक्स वो मॉड्यूल है जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है. आई विल बी टीचिंग यू थर्मोस्टैट विच इज कंस्टिट्यूटिंग ऑफ दीज थ्री डिफरेंट चंक्स. हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? राम प्लीज. नो सर. नो. ठीक है, सो आप म्यूट करके रखिए बेटा. जिसको इंटरेक्ट नहीं करना वो म्यूट करके रखे. इफ यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट तो म्यूट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैनी ऑफ यू माइट बी न्यू टू दिस जूम प्लेटफॉर्म. अगर आपके आस पास ऐसा सिनेरियो है, आपके इंटरमीडिएट एनवायरनमेंट में पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो बेशक से अनम्यूट करके रखो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई लव टू इंटरेक्ट विद माय स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस कोर्स इज बेसिकली आई वुड बी टीचिंग यू पीपल फॉर अप्रोक्सीमेटली दीज मेनी आवर्स, प्लस वी पीपल वुड बी एक्चुअली टैकलिंग दीज मेनी प्रॉब्लम्स ऑन द बोर्ड. इतनी प्रॉब्लम्स I would be actually solving on the board. So this is a highlight of my subject. You can take this as an highlight of my subject. कि इतने problems आप लोगों को आपके सर solve कराएंगे board पे. Okay. So what you can say is कि thermostat is basically constituting 1/6. मतलब कि 15% से लेके 20% ऑफ एनी एग्जाम, कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आप अपीयर करने वाले हो उस नहीं आ रही. सर ऑडियो नहीं आ रहा. सर वॉइस नहीं आ रहा. सर वॉइस नहीं आ रहा आपका. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. सर रिप्लाई कैसे देंगे वापस? नहीं आ रही तो. सर का सर ने म्यूट कर रखा है. हेलो सर. सर आप म्यूट में. हेलो. हेलो सर. यस. Anyone? बताइए. I am on mute. Yes sir. आप mute थे. Two minutes. Okay. So what I am saying is, let me first introduce all of you with few MSc entrance exam जिसमें आप appear करने वाले हो. ठीक है. So पहला target जिसके लिए आपको prepare कराया जाएगा, that is JAM Physics MSc entrance exam. So JAM Physics MSc entrance exam कौन कंडक्ट कराता है स्टूडेंट्स? Do you know that? If you know that, you can interact. IITs. IITs along with IIT. Okay. So in total अभी तक आपको बता दिया गया होगा कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें. And they carry a weightage of 100 marks. So ये वो एग्जाम है जिसकी मेजर तौर पे आपको हम तैयारी कराएंगे. मतलब ये आपका मेन टारगेट रहेगा.
अब इस 60 क्वेश्चंस में से मैं आपको कितने क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करा रहा हूं? वन सिक्स मतलब कि हर साल देखा गया है थर्मोस्टैट से, थर्मोडायनामिक्स प्लस स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स से ऑन एन अप्रोक्सीमेशन 10 क्वेश्चंस हैव बीन सीन, ये पिछले 10 सालों का ट्रेंड है, जिसका वेटेज रहता है 15 से लेके 20 मार्क्स तक का। 100 मार्क्स में से 15 से लेके 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपको थर्मोस्टेट आता है। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जिसकी मेजरली हम आपको तैयारी कराते हैं, दैट इज गेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम। इन दिस यू विल बी हैविंग 50 क्वेश्चन एंड दे विल बी हैविंग अ वेटेज ऑफ 100 मार्क्स। Right here you would be allotted 3 hours. Jam mein, that's a 3 hours exam. Guest is also 3 hours exam. Here it has been seen that from thermostat dekha gaya hai 10 questions on an approximation rehte hain. Right, agar kisi ke yahan noise hai, matlab aapko lag raha hai koi नॉइस कर रहा है आपके आस पड़ोस में, तो अपने आप को म्यूट रखो। 10 क्वेश्चन एंड दीज 10 क्वेश्चन हैव अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स। जस्ट एग्जाम से कौन सा कॉलेजेस मिलते हैं? आईसर, सुना आईसर सर? वो तो जैम से भी मिलते हैं ना? जैम बोथ ड्यूअल, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। ऑल्सो यू गेट एंट्रेंस, यू गेट एडमिशन इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सुना है? यस सर। ठीक है, आएंगे उस पे बात करेंगे। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हमको एडमिशन मिल जाता है सीधा, आप उससे आप एमएससी भी कर सकते हो प्लस पीएचडी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप एमएससी के बाद एग्जिट भी कर सकते हो उस प्रोग्राम से एमएससी की डिग्री लेकर। ठीक है, आएंगे उसकी बातें भी करेंगे। इसके बाद साइमल्टेनियसली यू वुड आल्सो बी टैकलिंग योर टीफर फिजिक्स। ये तीन एग्जाम्स है जिनका लेवल हम सेम मानते हैं, जैम गेस्ट और टेफर। हम आपको इस लेवल की तैयारी कराएंगे, जैम गेस्ट एंड टेफर। टेफर में देर विल बी 40 क्वेश्चन। अगेन इन 40 क्वेश्चंस में से थर्मोस्टैट में से 15-20% आपको थर्मोस्टैट से रहेगा। ठीक है, दीज आर ऑफ 150 मार्क्स, अगेन दे वुड बी ऑफ 3 आवर्स। राइट, if you talk about thermostat, thermostat will be having 8 on an approximation 8 question. Right, apart from these three exams you people would also be appearing in various exams which are of a little less difficulty level as compared to these three exams, and they are as follows. आप इन एग्जाम्स में भी अपीयर करने वाले हो जिनका डिफिकल्टी लेवल इन तीन एग्जाम्स के डिफिकल्टी लेवल से थोड़ा सा हल्का रहता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर हम बच्चों को इन लेवल की तैयारी करा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है कुछ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज के जो बच्चा तुरंत क्लियर कर लेता है, ऑटोमेटिकली वो उनके लिए एलिजिबल हो जाता है। एंड दे आर एज फॉलोज, DU physics followed by JNU physics entrance exam followed by U. Right. अगर हम DU की बात करें, anyone from DU, anyone from Delhi University, just say yes. Yes, sir. Four students. I could hear four different voices. What about others? चलो, ठीक है. So DU की अगर हम बात करें तो जा रहे हैं, तो देर आर 50 क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स एंड यू हैव बीन अलॉटेड 2 आवर्स टाइम फॉर। राइट, तो आप काफी लोग, कुछ परसेंटेज डीयू से भी आता है, कुछ परसेंटेज बीएचयू से भी आता है, तो वहां पे भी उनका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि वो बच्चे इजीली क्लियर कर लेते हैं अगर वो जैम की तैयारी करें। तो यू कैन टेक इट एज अ इंश्योरेंस कि यार ये पढ़ेंगे
तो ये तो निकल ही जाएगा. एंड नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे सर ने 1000 प्रॉब्लम लिखी हैं, इसमें सर सिर्फ जैम जेस्ट और टीफर टैकल नहीं करने वाले, इसमें सर बीयू जेएनयू बीएचयू एंड अदर एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन भी टैकल करने वाले हैं. तो थर्मोस्टैट की अगर बात करें तो थर्मोस्टैट में 10 क्वेश्चन रहेगा. आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थर्मोस्टैट से रहते हैं ऑफ 40 मार्क्स. ओके, देन कमिंग टू जेएनयू, जेएनयू का पैटर्न एक सेम पैटर्न नहीं रहता. अगर मैं सपोज करता हूं वो 25 क्वेश्चन के पैटर्न के साथ चल रहा है लेटर, जो कि अभी इसी साल 50 कर दिया गया है, अभी मैं आपको 35 क्वेश्चन के पैटर्न पे बता दे रहा हूँ. और 35 क्वेश्चन जो कि 3 आवर्स के हैं, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, इसमें थर्मोस्टैट में से 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं. तो अगेन 15 से 20% आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो, आराम से थर्मोस्टैट से बन जाता है. एक बड़ी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बड़ा एनालिसिस है ये कि अगर सिर्फ आप थर्मोस्टैट अच्छा बनाते हैं तो आप 15 से 20% क्वेश्चन पेपर की गारंटी आपको मिल जाती है. बीएचयू फिजिक्स का एमएससी एंट्रेंस थोड़ा सा लेंदी होता है, लेंदी इन द सेंस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहां पे, 120 क्वेश्चन का पेपर रहता है वो, 120 क्वेश्चन, राइट. And the time allotted is only 2 hours and of 360 marks. So, उसी level के question रहते हैं भाई, 120 question अगर आपको 2 घंटे में करना है तो मोटा मोटा approximately कितना time हुआ एक question पे, एक minute, right? Each question in a minute. So, each question in a minute पढ़ने में ही बच्चा 10-15 second लगा देता है question को समझने में. So, question का level उसी type का रहता है कि बच्चे ने पढ़ा और आंसर कर दिया, बट वो कब कर पाएगा बेटा, जब उसने तरीके से जैम की तैयारी करी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू इज ऑन ड्यूअल मोड. 2 एम है इस स्लाइड में मेरे. पहला एम, आप लोगों को ये पता चल जाए कि थर्मोस्टेट का कितना वेटेज रहता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आप 7-8 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो उनमें से थर्मोस्टेट का क्यों इतना इंपॉर्टेंस रहता है. वो इसलिए रहता है कि लास्ट ईयर का पैटर्न देखा गया है, 15 से 20% किसी भी एमएससी एंट्रेंस का थर्मोस्टेट से बनता ही बनता है. दूसरा मेरा एम है आपको ये समझाना कि अगर हम जैम फिजिक्स की तैयारी कर लें और सपोज समहाउ हमारा उस दिन लक नहीं चला, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें हम अपीयर करने वाले हैं, कब, 2023 में, अगले साल, और हम कोई ना कोई एमएससी एंट्रेंस तो निकाल ही देंगे, बट वो कब निकालेंगे, जब हम यहां पर सिंसियर रहे होंगे, ठीक है. तो बीएचयू फिजिक्स में अगर मैं थर्मोस्टेट की बात करूं, 20 क्वेश्चंस देखे गए हैं और 60 मार्क्स. ओके, इसके अलावा भी आप कुछ एमएससी एंट्रेंस में अपीयर करने वाले हैं. लेट मी जस्ट राइट द नेम ऑफ दोस एग्जाम्स. एचसीयू, उसके बाद सीयू सेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बेटा एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है. कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने मिल करके डिसाइड किया कि यार हम अपना एक ना कॉमन एंट्रेंस ले लेते हैं अलग अलग लेने की बजाय, और फिर हम बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रायोरिटी कि वो कहां जाना चाहता है, स्टूडेंट कैन डिसाइड. सो सीयू सेट में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं जिनके थ्रू आप उनमें एडमिशन ले सकते हो, इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू. आप, मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इन थर्मोस्टेट हम आपको यहां पर सीयू सेट के क्वेश्चन भी कराएंगे. इसके अलावा जो लोग दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, सुना होगा कभी, यस सर, नोट, ठीक है. प्लस आप अपीयर करने वाले हो डीटीयू के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, प्लस एनएसआईटी यूनिवर्सिटी, सो देयर आर मैनी सच रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो कि आप भरने वाले हो एमएससी एंट्रेंस का. आप फॉर्म फिल करोगे, एग्जाम में अपीयर करोगे, आपको हम तैयारी किसकी कराएंगे, जैम जेस्ट टिफर बीयू जेएनयू बीएचयू एचसीयू एंड सीयू सेट के क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगा बकायदा इनके साथ. इनके क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, बट हाँ अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है यू कैन टैकल, और डाउट आता है यू कैन टेक इट फ्रॉम मी. Is it clear? ये क्लियर है कि हम
हम किस चीज के क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब हम कौन से एंट्रेंस एग्जाम में हम एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन के बाद, इज इट क्लियर स्टूडेंट? यस और नो? क्विकली। यस सर। यस सर। ओके प्लीज नोट दिस डाउन, इसको नोट कर लीजिए। ओके जी आगे चलते हैं। नाउ लेट मी डिस्कस विद ऑल ऑफ यू द स्ट्रेटेजी दैट आई एम गोइंग टू फॉलो ड्यूरिंग द कोर्स। हम क्या स्ट्रेटेजी ऑप्ट करने वाले हैं, क्या तरीका रहेगा हमारा पढ़ने का, आपका क्या तरीका रहने चाहिए थ्रू आउट द कोर्स, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। कैन आई रेज स्टूडेंट्स? ये सुनो। यस सर। यस सर। ओके बच्चों गुड, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? डर तो नहीं है? कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक इन वेरी डिटेल्स विद यू पीपल। सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई टॉपिक हमें पढ़ना है हम उसके सीधे न्यूमेरिकल्स पे आ गए। टेक इट एज अ वर्ड फ्रॉम मी, कोई भी न्यूमरिकल सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक आपको उसका कंसेप्ट नहीं बताओ। कंसेप्ट आपको डैम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसेप्ट इन वेरी डिटेल, उसके बाद उसी कंसेप्ट से हम एक्चुअली लाइव लेक्चर में आई वुड बी सॉल्विंग वेरियस न्यूमरिकल बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी। डेली बेसिस पे आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो हम ट्राई करेंगे, कुछ आपको होमवर्क मिलेगा, आप ट्राई करके आओगे। नेक्स्ट डे हम उसका डाउट सेशन रखेंगे, जब पूरी असाइनमेंट हो जाएगी तो उसका एक डाउट सेशन रहेगा। उसके बाद जब एक कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड वन कंप्लीट चैप्टर ऑन कंप्लीशन। जैसे ही उसका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको आराम से कंक्लूड करेंगे, रिवाइज कर। आफ्टर दैट यू वुड बी प्रैक्टिसिंग बाय अपियरिंग इन वेरियस क्लासेस। प्लस इन वेरियस माइनर टेस्ट सीरीज, कुछ सीरीज मिलेंगी आपको, प्लस वेरियस फुल लेंथ टेस्ट।
आप लोगों में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, कैन यू टेल मी कि जो आप एग्जाम में अपीयर करने वाले हो, जितने भी एमएससी एंट्रेंस सर ने लिस्ट किए थे, उनका पैटर्न क्या होता है? क्या वो कंप्यूटर बेस्ड है या आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी उसमें आपको टिक करना होगा, क्या होगा, क्या लगता है आपको? कंप्यूटर बेस्ड, राइट। सारे ही जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, वो एनटीए कराता है, ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, सारे ही वो कंप्यूटर बेस्ड है। हम आपको एक प्लस बेनिफिट देंगे और वो बेनिफिट है हमारा ऐप, कैरियर एंडेवर ऐप। डू यू नो अबाउट दैट एनीवन हु हैज ऑलरेडी लॉग्ड इन? ठीक है, सो हमारा आपका आपको एक ऐप का एक्सेस मिलेगा, जिसके पास नहीं हो दैट्स अ 2 मिनट प्रोसेस। प्ले स्टोर से जाके आप कैरियर एंडेवर लाइव क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आप 2 मिनट में रजिस्टर करके आप उसमें लॉग इन हो जाओगे, दैट्स अ 2 मिनट प्रोसेस। फिर भी कोई नहीं हो पा रहा तो रिंग अप एट द रिसेप्शन, दे विल हेल्प यू, 2 मिनट का प्रोसेस। जैसे ही आप उसमें एंटर कर जाओगे, आपको हमारे डेली के क्लासेस मिलेंगे, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सब मिलेगी, साथ में आपको नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, बट उसके भी ऊपर आपको क्लास टेस्ट, माइनर टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको बिल्कुल सेम एनवायरमेंट मिलेगा जो आपको नेशनल टेस्ट एजेंसी देगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू सपोज आप किसी क्लास टेस्ट में अपीयर करते हो, तो वहां पर विंडो में आपको सेम एनवायरमेंट मिलेगा जो कि आपको एक्चुअल एग्जाम वाले डे मिले। सो दिस इज अ प्लस बेनिफिट, ताकि आपको उसकी हैबिट हो जाए, आपको कंप्यूटर पे बैठ करके एग्जाम में अपीयर करने की हैबिट हो जाए, जिसमें हमको वन बाय वन एक एक क्वेश्चन दिखता रहे। सो दैट्स अ प्लस बेनिफिट। सो क्लियर है सबको? ऐप सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? ओके, एज आई टोल्ड यू, माई थर्मोस्टैट इज हैविंग 3 different portions in it. Also, you might be worrying about the book, कि कौन सी किताब रेफर करें, कौन सी रेफरेंस बुक ले। So first book, first and the most important book which you need to refer is क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बोल के बताओ। क्लास नोट्स। अब ये कहाँ मिलेंगे? अब कोई पूछता है सर ये कहाँ मिलेंगे, ये आपकी खुद की नोटबुक में मिलेंगे, ठीक है, खुद की, जो कि आप डेली आकर बनाओगे। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत ना, आपके पास इतना टाइम कि आप 10 बुक को रेफर करो और फिर थर्मोडायनामिक्स बनाओ, उसके लिए मैं हूं। ऑलरेडी आपके सर 10-15 बुक पढ़ चुके हैं अच्छे अच्छे ऑथर्स की, जिसको कंक्लूड करके हमने आपके इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनाया है, स्टडी मटेरियल, जो आप तक अभी तक तो नहीं पहुंचा होगा, विद इन अ फ्यू डेज पहुंच जाएगा। साथ में डेली आपको उसी का निष्कर्ष पढ़ाया जाता है और कुछ पिछले 8-10 साल का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस। सो देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड, इसके अलावा आपको कुछ और रेफर नहीं करना। फिर भी अगर मन करे कि सर कोई किताब बता ही दो, तो राइट डाउन, गर्गेंट बंसल, किसी ने सुनी आज तक? ठीक है, सो दिस इज द बुक, राइट? सो दिस इज द वन, गर्ग बंसल घोष सर। इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी है ना? हाँ, मैं आ रहा हूँ उससे। ये किताब किसने लिखी है? 3 authors ने लिखी है, जिनमें से सेकंड ऑथर, बीच वाले ऑथर इज माय टीचर फ्रॉम हंसराज कॉलेज, जिनसे मैंने ग्रेजुएशन में थर्मल फिजिक्स पढ़ा है। क्लियर, राइट सर? आप हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके बाद यू कैन ऑल्सो रेफर दिस बुक, एंड दिस इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, बाय जिमेंस्की। आफ्टर दैट स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए यू कैन रेफर स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय आर के पथा, स्टेटिस्टिकल S.M. स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय, बट माय सजेशन इज
कौन सी किताब? आपके खुद के नोट्स जो आप डेली बेसिस पे बनाओगे, दे आर मोर देन सफिशियंट। प्लस इन बुक्स से इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा ये दो बुक्स थर्मोडायनामिक्स की जो आपको मिलेगी इंस्टीट्यूट से। क्लियर? वन इज थ्योरी बुकलेट, अनदर इज हैविंग क्वेश्चन। वन इज थ्योरी, अनदर इज फॉर क्वेश्चन। सो नोट दिस डाउन। सो दीज आर द फोर बुक्स यू कैन से इन शॉर्ट जो आप रेफर करोगे, जिनमें से मेन तो आपके क्लास नोट्स रहेंगे और साथ में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। इज द स्ट्रेटेजी क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके प्लीज नोट दिस। आगे चले? यस। ओके बेटा, सो क्विकली टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट टेल मी योर नेम एंड योर यूनिवर्सिटी, दैट्स ऑल। क्विकली दैट आई नहीं लगना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी। Okay. Sir, I'm Kushan from Dindayal Upadhyay College, TU. Okay. Sir, I'm Kushan from Delhi University. Okay. Saurabh Samanta from Bidasa University. Okay. Sir, I'm Ram Vashne from MJPR University. Harshita from Delhi University. Harendra from Delhi University. Okay, Delhi University wale college bhi batayenge, na? Harendra from Delhi University Hindu College. Okay. Sir Rajat, Delhi University Ramjas College. Okay. Sir Vishal Singh, Banaras Hindu University. Okay, ji, welcome. Sir Sujata, Daulat Ram College, Delhi University. Okay, ji. Sir Riya, Hansraj College, Delhi University. Okay, ji. Sir, Pinky from Delhi University, Motilal Nehru College. Okay, ji. Sir, yes, sir. Dasagar University. Okay. Sir, Anubhav from Punjab University. Oh, great. Sir, Rehan from? Rehan, sir, Jamia Millia Islamia. Okay, ji. Sir, Srijan, sir. Geetham University, Vizag. Okay, welcome. ठीक है, anyone else? From MDU. Okay, जी, MDU. Fine. So, let's do it. Okay, जी, राची. शुरू करें. So, students, this would be the strategy which we will be following throughout the course. Next. अब मैंने आपको जिस एग्जाम में आप प्रिपेयर करने वाले हो उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है, जिस मॉड्यूल को मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, थर्मोस्टेट पढ़ाने वाला हूँ, थर्मोस्टेट का इम्पोर्टेंस मार्क्स वाइज बता दिया मैंने, उसके बाद क्या मेथड रहेगा, पहले कंसेप्ट करेंगे फिर न्यूमेरिकल, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। नाउ बिफोर स्टार्टिंग योर एक्चुअल टीचिंग, लेट मी फर्स्ट कनेक्ट यू पीपल विद द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक से मैं आप लोगों को थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूं कि एग्जामिनर का पैटर्न पिछले कुछ सालों में देखा गया है चेंज हो गया है, एस्पेशली फॉर थर्मोडायनामिक। लेवल ऑफ एग्जाम इन जैम जेस्ट टिफ पर एज वेल एज डी यू एमएससी एंट्रेंस की अगर हम बात करें, वो एक डिफिकल्टी लेवल थर्मोडायनामिक्स एंड स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक ग्रेडियंट आया है, एक चेंज आया है। एग्जामिनर्स जो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, दे आर नो लॉन्गर फॉर्मूला बेस्ड, दे आर कंसेप्ट बेस्ड। अंटिल और अनलेस द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, यू वॉन्ट बी एबल टू टैकल दोस क्वेश्चन। अगर मैं स्पेशली डीयू की बात करूं, डीयू में यू डू यू पीपल नो कि देर आर हाउ मेनी एमएससी सीट्स?
154 DU and 154 other universities. Okay, so correctly said by your one of your friends. Let me just reiterate that there are in total 300 seats. Out of those 300 seats, only 150 seats for meritorious students. Those 150 students out of 4,000 students. Right now, 4,000 students are currently doing their graduation from Delhi University. Yaar. उन 4,000 में से कौन 100-150 बच्चे टॉप में हैं, दे वुड बी गेटिंग एडमिशन, अदरवाइज नो वन विल बी गेटिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो देयरफॉर टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर हम लेवल बोले तो आईआईटी से फार लेस है, ठीक है. सो उसी में आपको एडमिशन लेने के लिए इतना कॉम्पिटिशन है, देन फॉरगेट अबाउट आईआईटी. सो देयरफॉर one thing is for sure, if you want yourself, if you see yourself after 1.5 year or 1 year, if you want to see yourself in a recognized university, you have to be very serious from the day itself, from today itself, you have to be very good. Okay, so now let me quickly introduce or connect you people with the thermodynamics and with the mentality of the examiner. Ki examiner humse kis level ki नॉलेज चाहता है थर्मोडायनामिक्स. आई वॉन्ट बी स्टार्टिंग विद द एक्चुअल टीचिंग. बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल टीचिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स, माई स्टूडेंट्स मस्ट नो कि यार इस थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट से, सर से जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो हम कैसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, वट वी आर सर्चिंग फॉर. ओके, सो आई वुड बी पोर्ट्रेइंग दैट थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पुट फॉरवर्ड करूंगा जिससे आपको दो चीजें समझ में आएंगी. पहली, थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, अगले 60-70 घंटे मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ाऊंगा. दूसरी, एग्जामिनर का पैटर्न कैसे, जो एग्जामिनर्स हैं जैम जैस सेफर डीयू, इनका पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, वो हमसे क्या चाहते हैं. कैन आई रेज द बोर्ड स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर. यस सर. ओके, पहले एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना आप लोग, समझने की कोशिश करना. आफ्टर दैट आई वुड बी आस्किंग वेरियस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट, देखते हैं. सपोज आपके पास दो बकेट्स हैं, सुबह हम डेली नहाते हैं, नहाते हुए हम सर्दियों में ये एक्सरसाइज डेली करते हैं, इन विंटर्स वी परफॉर्म दिस एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस. सपोज यू हैव टू बकेट्स ऑफ वॉटर. Let us say this is bucket number one and same identical bucket number two. Both are having a capacity of, let us say, 1000 ml, 1 liter. Let us say ki both are filled till brim, ऊपर तक भरी हुई है दोनों ही water से. मान लेते हैं पहली बकेट में जो पानी है उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस. मान लेते हैं जो बकेट टू में पानी है वो थोड़ा हॉटर है एंड दैट इज एट 80 डिग्री सेल्सियस. ध्यान से सुनना और आंसर करने की कोशिश करना. द मोर यू इंटरेक्ट इन द क्लास द मोर यू ग्रैब द टॉपिक. सो सपोज यू हैव अ मग ऑफ वॉटर, लेट अस से. Let us say कि इसकी कैपेसिटी है 100 ml, राइट. आई एम गिविंग यू अ टास्क एंड दैट टास्क इज, ये खाली मग है, इस मग को इस बकेट में से भर लो और उसके बाद इसमें डालो, ठीक है. ब्रिम तक नहीं भरा, ब्रिम तक पानी नहीं भरा हुआ, वरना तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है. इसमें से एक मग पानी लिया, इसमें डाल दिया. लेट मी राइट दैट डाउन ऑल्सो. रिमूव one mug of water from bucket one and pour it in bucket number two, right. After that
In step number two, this is step number one, let us say. In step number two, again, remove one mug of water from, let us say, bucket number two. And now you pour it in bucket, you pour it back in bucket number one. So my question to all of you is, what do you people expect? Kya hoga? Let us discuss something. देखते हैं कि आप लोगों की क्या फिजिकल ऑब्जर्वेशन है डेली बेसिस पे, कितना आप लोग समझते हो, क्या होगा यार, डिस्कस करो, जो भी मन में आ रहा है बोलो. सर फर्स्ट केस में टू का टेंपरेचर हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, क्या होगा, मतलब बकेट वन का एट द लास्ट इंक्रीज होगा, बकेट वन का सेकंड प्रोसेस के बाद बकेट वन का थोड़ा इंक्रीज होगा 25 डिग्री से. ओके, ऑन बकेट टू उसका थोड़ा ठीक है, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यार सर जब एक मग पानी इसमें से निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना पानी बचा होगा बकेट वन में, 900 ml ऑफ वाटर. स्टेप वन के एंड पे बकेट वन में कितना पानी बचा होगा, 900 ml वाटर, जिसका टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, वो थोड़ी ना चेंज होगा, वो थोड़ी ना चेंज होगा, बल्कि बकेट टू में अब कितना पानी आ चुका होगा, 1100 ml. 1100 ml. क्या लगता है इस वाटर का टेम्परेचर 80 रहा होगा, 80 से ज्यादा हो गया होगा या 80 से कम हो गया होगा? कम हो गया होगा. कम हो गया होगा. अब 80 से घट करके 25 के पास आ गया होगा या 80 से घट करके 80 के पास ही रहा होगा या 25 और 80 के बिल्कुल बीचों बीच आ गया होगा? क्या लगता? तो इतना क्लियर है कि सर जो टेम्परेचर ऑफ बकेट टू है टेम्परेचर ऑफ बकेट वन है, तो टेम्परेचर ऑफ बकेट टू वुड बी लेसर देन 80 डिग्री सेल्सियस, बट स्टिल 25 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस के यहां पर वो कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा. यस और नो? यहां पर वो बच्चों को समझ में आता है. ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, एक मग पानी इसमें से लेकर के यहां डाल. तो बकेट टू का क्या लगता है आपको, बकेट टू में अब कितना पानी बच गया, सिर्फ 1000 ml, बट अब टेम्परेचर कितना हो गया, मान लेते हैं, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि हम निकालेंगे इसको, लेट अस से कि 79 हो गया था और अब इसमें 79 ही रहा, बल्कि बकेट वन का पानी अब कितना हो जाएगा बेटा, बैक टू 1000 ml. बट नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विद द टेम्परेचर, थोड़ा सा बढ़ करके कुछ हो गया होगा, इतना बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं. नाउ रिपीट दिस एक्सरसाइज 10 times. व्हाट डू यू पीपल एक्सपेक्ट, क्या ये वाली स्टेप वन प्लस स्टेप टू एक एक्सरसाइज है मिलके, ऐसा आप 10 बार कीजिए, व्हाट डू यू पीपल एक्सपेक्ट, एनीवन? टेंपरेचर विल नियरली सेम, सर लगभग सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा सर, ऑलमोस्टली एक बार करते हैं हम ये एक्सपेक्ट करते हैं सर 25 और 80 का हाफ क्या होगा, 25/80, इनका बिल्कुल मिड वे क्या होगा, इनका मिड वे होगा 52.5 होगा ना, 52.5. इनका मिडवे होगा सर 52.5. तो सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे ये एक्सरसाइज हम जितनी बार ज्यादा बार करते जाएंगे, टेम्परेचर ऑफ बकेट वन और टेम्परेचर ऑफ बकेट टू जो ओरिजिनली 25 और 80 थे, दे वुड बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स. यस और नो? यस. तो इतना श्योर है कि सर अगर ये एक्सरसाइज हमने 1000 बार कर दी तो फोर श्योर दोनों का टेम्परेचर इसके आसपास ही होगा. यस और नो? यस सर. यस सर. ठीक है बेटा, ऐसी एक्सरसाइज, दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज अ फेवरेट क्वेश्चन. इन योर JNU एंड BU, MSc and drawing. बात समझ में आई? यस सर. ठीक है, डेली बेसिस पे करते हैं नहाते हुए, मतलब मैं तो करता हूँ, गर्म पानी की बाल्टी ली, ठंडे की ले ली, दोनों को मिक्स कर रहा हूँ ताकि
सुइटेबल टेम्परेचर हो जाए जिससे हम बात ले सकते, राइट। सो अब मेरा क्या रोल रहेगा, व्हाट विल बी रोल ऑफ अ गुड मेंटर? The role of a good mentor is as follows. इसी क्वेश्चन को कराने के बाद I would be also giving you a few exercises जो इसी क्वेश्चन से बन सकती है। इसी को अगर हम थोड़ा डिफिकल्ट कर दे तो क्या एक्सरसाइज बनेगी, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दे तो क्या एक्सरसाइज बनेगी। My role, my institute role would be to tell you different possibilities in the same question. बात समझ में आई? व्हाट वुड बी डूइंग? हमसे एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है? हम लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन तो करेंगे ही, साथ में थ्रू असाइनमेंट के थ्रू हम आपको इसी क्वेश्चन से मिलती जुलती पॉसिबिलिटीज से प्रैक्टिस करवाएंगे, सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे जिस दिन आप एक्चुअली एग्जाम में अपियर करोगे। एग्जाम्पल नंबर वन, तो कैन यू रिलेट अ लिटल कि हम पढ़ने क्या वाले हैं थर्मोडायनामिक्स में? टेल मी स्टूडेंट, यस और नो? वर यू एबल टू रिलेट? यस सर, यस सर। कुछ एग्जांपल वो ले लेते हैं क्विकली, इसको नोट कर लीजिए। Can I raise the board? करो करो नोट करो। सर आपका नाम क्या है? I will introduce myself. Don't worry. My name is Dr. Sahil. Can I move forward, students? Can I raise it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tell you. Again, I'm telling you, I'm not teaching you anything. I'm just making you familiar with my subject first and with the difficulty of the exam and what do the examiner wants from you to know in thermodynamics, किस लेवल पे वो आपको जज करते हैं, that is what I am introducing to you people today, so that you can at least relate with my subject. Until or unless you get into the subject, there is no fun in studying any of the subject. जब तक मुझे यही नहीं पता यार मैं mechanics क्यों पढ़ रहा हूँ, mechanics पढ़ने से मुझे क्या समझ में आने लगेगा, क्या physical observations आसपास जो मैं observe करता हूँ क्या समझ में आने लगेगी, there is no fun in studying any of the topic. So therefore, first thing which I would like you people to know, कि यार thermodynamics 60-70 घंटे सर पढ़ाने के वाले हैं, सर का क्या aim रहेगा? मतलब सर से पढ़ने के बाद हम कौन से physical phenomena जो आसपास देखते हैं उनको समझने लायक हो जाएंगे, और साथ में exam का क्या pattern है? So next example is, सपोज एक वॉटर लेक है, मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ लेक, टेम्परेचर ऑफ वॉटर इन द लेक इज 25 डिग्री सेल्सियस, लेट अस से मान लेते हैं इस वॉटर लेक में मैं ड्रॉप कर देता हूं कुछ आइस क्यूब्स, चार आइस क्यूब्स लेट अस से मैंने इसमें ड्रॉप कर दिए। मान लेते हैं इन आइस क्यूब्स का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन,
what will be the final equilibrium temperature? Of this system. Ice ka final equilibrium temperature kya hoga? Water lake ka final equilibrium temperature kya hoga? Final equilibrium temperature se pehle bhi agar main poochu final equilibrium state kya hogi? Kya ye ice hamesha hi ice rahegi? Kya ye water in the water lake jam karke ice ho jayega? Jaise questions hum pooch rahe hain. Theek hai, kya ye ice water vapor ban jayengi ya water in the water lake water vapor ban jayega? Final equilibrium state kya hogi? Uske baad next question, what will be the final equilibrium temperature of both ice as well as water lying in lake? Aise questions hum puch rahe hain. Next, what is change in entropy for ice cubes? Ab ek bada word use kar diya sir ne, jo bachcho ko problem ho rahi hai entropy se. Sir, entropy kya hota hai? Sab padhenge. Next question. What is change in entropy for water in the water lake? ठीक है, कितनी एंट्रोपी होगी? आप में से ही किसने तुरंत बोल दिया जीरो? He may be correct, he may be wrong. That is not my aim today. My aim is कि यार इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में, ये एक डेली फिनोमेना है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. एक लेक में, एक पॉन्ड में हमने कुछ आइस क्यूब्स को थ्रो कर दिया. तो इस फिनोमेना में ये सारे क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं. ये कोर्स हमको इन क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेगा. हम पढ़ने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल इज, एग्जांपल नंबर 3 इज, सपोज इन आइस क्यूब्स को, इन चार आइस क्यूब्स को 0 डिग्री सेल्सियस पे इनको एक वाटर लेक में ड्रॉप करने की बजाय मैंने एक कप ऑफ वाटर में ड्रॉप कर दिया. लेट अस dropping of few ice cubes in a cup of water. बिल्कुल सेम ही फिनोमिना रहा, बट अब मैंने क्या करा, एक कप ऑफ वाटर ले लिया जिसके अंदर पानी है, और ये पानी अभी भी, ये पानी भी 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है, सेम जितना यहां था, और इसमें मैंने चार ही आइस क्यूब डाले, उतना ही ग्राम रखा आइस क्यूब्स का, बढ़ाया नहीं घटाया नहीं. और इन आइस क्यूब्स को भी मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा, राइट? सेम क्वेश्चन मैं इसके लिए भी पूछना चाहता हूं. सामने कि ये दोनों एग्जांपल फिर एक दूसरे डिफरेंट कैसे हैं यार? हाउ दीज टू एग्जांपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? या इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं? सर, लेक एक इनफाइनाइट बॉडी जैसा मान सकते हैं, कप ऑफ वाटर एक छोटा सा. ठीक है, तो पहली चीज, सर कुछ पढ़ा रहे हैं आज? No. सर तो आपके माइंड में क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं. ठीक है, अब ये एग्जांपल्स बेटा जैम के फेवरेट क्वेश्चंस हैं. बात समझ में आई? दीज आर वेरी फेवरेट इन जैम. अब मेरा क्या रोल रहेगा यहां पर? मेरा रोल रहेगा ये एग्जांपल्स तो कराना ही. बट साथ में आपको इतनी अनफ प्रैक्टिस करा देना इससे मिलते चुनते डेली ऑब्जर्वेशन फिनोमिनाज की, सो दैट ईच पॉसिबिलिटी कवर की जा सके जब आप एक्चुअल एग्जाम में अपियर करने वाले. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कुछ इन एग्जाम्पल से कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए कि यार थर्मोडायनामिक्स से हम पढ़ने क्या वाले हैं? वाज इट इंटरेस्टिंग बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द सब्जेक्ट? यस सर. यस सर. ओके,
तो चलो अब हम पोज करते हैं यहाँ पे। अब हम मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या लगता है आपको यार इन दोनों एग्जांपल्स में क्या हो रहा होगा वन बाय वन। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव कि यार ये सही है गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी स्टेटमेंट टुडे, जस्ट फॉर माय नॉलेज। चलो वन बाय वन, कोई कुछ बोल पा रहा है एग्जाम्पल टू में क्या हो रहा होगा? सुजाता ने अनम्यूट किया है तो सुजाता वांट्स टू से समथिंग। चलो सुजाता प्लीज। यस सर, जो आइस क्यूब्स है वो और जो वाटर है उसके कंपैरिजन में आइस क्यूब्स का जो टेम्परेचर वो उसको इतना ज्यादा इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाटर जो लेक में उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। ओके एंड और कंपैरिजन टू एग्जांपल नंबर 3 में, एग्जांपल 3 में सर वाटर एक कप में थोड़ा है तो उसकी वजह से जो आइस क्यूब है वो उसके टेम्परेचर को चेंज कर पाएगा, मतलब कि हम कुछ टेम्परेचर में चेंज देख पाएंगे। ओके तो सुजाता ने एक थिंकिंग रखी, लेट मी जस्ट रिपोर्ट्रेट दैट। सुजाता कह रही है कि सर एग्जांपल 2 में जो दो बॉडीज थर्मली इंटरेक्ट कर रही हैं वो है आइस क्यूब्स जिसका फाइनाइट वेट है, फाइनाइट क्वांटिटी है, और एक वॉटर लेक जो एक इनफाइनाइट बॉडी है। क्योंकि सर वॉटर लेक इनफाइनाइट बॉडी है तो आइस क्यूब्स का टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर ऑफ वॉटर इन द वॉटर लेक को बदल नहीं पाएगा, अप्रोक्सीमेटली वही रहेगा। बल्कि सुजाता आप ये भी बता सकते थे आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस के साथ क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आइस क्यूब्स जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लाई कर रही है टाइम के साथ क्या होगा? As the time will pass, what will happen? This would absorb heat. ये क्या करेंगी? Heat को absorb कर लेंगी। कहाँ से मिलेगी इसको heat? Water in the water lake से। क्यों? क्योंकि वो higher temperature पे है। और ice at 0 degree Celsius convert हो जाएंगी water at 0 degree Celsius में। क्या ये यहीं पर रुक जाएगा? No. Further ये heat absorb करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन ये एब्जॉर्ब करेगा हीट को, कहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा? वॉटर इन द वॉटर लेक से, और कन्वर्ट हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा वॉटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। बल्कि जो पानी यहां पर लेक में लाई कर रहा है क्या उसका टेम्परेचर बदलेगा? नो, दिस इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट इन टाइम। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। वॉटर लेक को हम क्या बोलेंगे यहां पर? बॉडी नहीं बोलेंगे बल्कि रिजर्वॉयर बोलेंगे। सब पढ़ेंगे, रिलैक्स। अभी तो सर ने सिर्फ जाना है कि आपको कितना आता है। हाँ, कोई और बच्चा ट्राई करना चाहे कि सर फिर एग्जांपल 3 में क्या हो रहा होगा? यस सर। एनीवन एल्स? अभी ना वांट टू से समथिंग? हाँ जी बेटा बताओ। सर इन एग्जांपल 3 आइस तो मेल्ट हो जाएगी लेकिन जो वाटर है कप में उसका टेम्परेचर एक लार्ज अमाउंट ड्रॉप हो जाएगा। ओके So, Abhinav as well as Sujata, both of you are your classmates. What they are portraying is, sir, example number 3 में क्या होगा ना? Ice cubes जो कि 0 degree Celsius में lie कर रहे हैं, ये melt तो होंगे ही और बन जाएंगे water at 0 degree Celsius. साथ में ये further heat up होंगे और इनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके कोई फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा जो हमने नहीं पता। सिमिलरली व्हाट दे आर सेइंग कि वाटर इन वाटर लेक जिसका वाटर लाइंग इन द कप क्योंकि वो भी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, बड़ी बॉडी नहीं है, छोटी सी बॉडी है, तो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा? जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि सर तो सिर्फ वो क्वेश्चंस बता रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन एग्जांपल से आंसर कर पाओ आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम मी। इज इट क्लियर या इज इट पार्शियली क्लियर? यस सर। चलिए, सो व्हाट द टाइम नाउ? इट्स 8:00 और क्लास इज स्टिल 8:30। सो लेट मी स्टार्ट विद योर सब्जेक्ट, लेट मी एक्चुअली स्टार्ट विद योर सब्जेक्ट। So, as I have already conveyed to you people,
that I would be teaching you thermodynamics, kinetic theory of gases, and statistical methods. So before actually starting with the first topic, let me quickly introduce you people with both of the branches. कि दोनों branches एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं? दोनों branches में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इन दोनों को as two different subjects क्यों पढ़ते हैं? दो different branches क्यों हैं ये physics? Thermodynamics और फिर statistical mechanics. और फिर KTG क्या है? चलो, can I raise the board? Yes, सब लोग कर लो, सब लोग नोट कर लो, छूटना नहीं चाहिए किसी का. सब लोग नोट्स बनाएंगे अपने, कोई डिपेंडेंट नहीं रहेगा किसी और चीज पे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे. रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग देख पाओगे, बट दैट इज फॉर योर असिस्टेंस, डोंट ओवर डिपेंड ऑन दैट, बिकॉज इन दैट केस यू आर नॉट मूविंग विद द सेम पेस एज दैट ऑफ योर टीचर. ट्राई टू मूव विद द सेम पेस एज दैट ऑफ योर टीचर. If I have finished the topic today, your aim should be finish it today, sir. चलिए. Today I'm not going to start ऐसा कुछ major topic जो कि आपको घर पे जाके मेहनत करनी पड़े, because this is my कौन सा lecture number है? Zero. Zero मतलब making students comfortable with the mentor, that is me, with my subject, which is thermostat, with the entrance exam, which is JAM entrance exam, and with the app, obviously, Zoom app, and also with the Career Anywhere live class. ओके, किसी के यहां से एक नॉइस है, एक पर्टिकुलर टाइप की नॉइस है. ठीक है, देखो अब थोड़ा अज्यूम करना शुरू करो. जैसे जैसे मैं बोलता हूं सोचते जाओ, थिंकिंग पावर बनाओ. सपोज जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम की वॉल्स को मैं रिजिड कर दूं. रिजिड, रिजिड मतलब इमूवेबल. क्या वो वॉल्स रिजिड हैं ऑटोमेटिकली, खुद में रिजिड हैं? यस यस सर, रिजिड है. मतलब आपके रूम की वॉल्स अंदर बाहर थोड़ी ना हो सकती है, रिजिड. नो सर. ओके, साथ में अच्छा, अगर ये वॉल्स रिजिड हैं तो इस रूम का, इस कमरे का कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ? टेम्परेचर, वॉल्यूम. वॉल्यूम, वॉल्यूम. ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ अपने सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट कर रहा हूं. साथ में आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ इंट्रैक्शन में. वो तभी होगे जब वो एक अनम्यूट का बटन दबा के जो मन में आ रहा है वो बोलना चाहोगे. सर कुछ नहीं कह रहे, सर बहुत फ्रैंक है, जितना इंट्रैक्ट करोगे उतना तुम्हें जल्दी सीखोगे तुम लोग. रिजिड है तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट. मान लेते हैं सारी वॉल्स आपकी परफेक्टली क्लोज है, परफेक्टली क्लोज है, इम्परमिएबल है. वर्ड्स पे ध्यान दो, ये सब चीजें हम डिटेल में करेंगे. इम्परमिएबल वॉल्स हैं, इम्परमिएबल मतलब कोई होल नहीं है दीवारों में. तो क्या चीज मेरे सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज नो पार्टिकल कैन मूव इन, नो पार्टिकल कैन मूव आउट. कोई पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, कोई जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं मेरे रूम में, कोई तो बाहर नहीं जा सकता, ना कोई बाहर सराउंडिंग का पार्टिकल अंदर आ सकता, क्योंकि मैंने वॉल्स को कैसा मान लिया, इम्परमिएबल. दीवारों में कोई, जो खिड़कियां हैं उनमें कोई होल्स नहीं है, दरवाजे में कोई होल नहीं है, दरवाजा परफेक्टली बंद है, नीचे से बाहर साइड में से कोई एयर नहीं जा सकती. ऐसा मैंने कहा आपको अज्यूम करने के लिए. तो वी कॉन्स्टेंट
और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टेंट। मान लेते हैं बेटा दीवारों पे मैं कॉटन लगा देता हूं, रजाई ओढ़ते होगे रात को, क्विल्ट ओढ़ते होगे, जो भी आप यूज करते होगे रात को, कॉटन का बना होता है, उससे क्या होगा बेटा, सिस्टम रूम, रूम की एनर्जी बाहर नहीं जा सकती सराउंडिंग में, सराउंडिंग की एनर्जी अंदर नहीं आ सकती, इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ई, मैं दोबारा बता रहा हूं, सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है सब देखेंगे, दिस इज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दीज टू सब्जेक्ट्स, जितना समझ में आए समझ लो, इंटरनल एनर्जी ई कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि वो वॉल्यूम नहीं बदल रहा, प्रेशर नहीं बदलेगा, इंटरनल एनर्जी नहीं बदल रही, और प्रेशर वॉल्यूम और एन ईवी और एन नहीं बदल रहे, तो टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा सिस्टम का, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, सो देयरफॉर सारे बाकी पैरामीटर, एंट्रोपी एस, गिब्स फ्री एनर्जी जी, एंथैल्पी एच, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी म्यू, ये सब टाइम के साथ क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट। ऐसा थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसके सारे पैरामीटर्स, सारे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज ना हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सिस्टम इज लाइंग इन थर्मोडायनामिक, कौन सा इक्विलिब्रियम बेटा रिपीट करो, थर्मोडायनामिक। क्या होता है बहुत डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है। सो थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स में वी वुड बी इंटरेस्टेड, वी वुड बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अ थर्मोडायनामिक सिस्टम लाइंग इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज लाइंग इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब जो हमको थोड़ा बहुत समझ में आया है वो यही है कि ये सारे पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते। थर्मोडायनामिक्स में हम इस सिस्टम को मैक्रोस्कोपिकली पढ़ेंगे, वी विल डील विद the above system macroscopically. Now, what do you understand by macroscopically? Dealing with the system macroscopically. So, by dealing with the system macroscopically, we mean that we would only be interested in knowing the macro state of the system. Ab macro state kya hoti hai? System ki macro state hoti hai sare थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स की वैल्यू बताना। अगर मैं ई पी वी टी एन म्यू एस जी एच एफ इन सब की वैल्यू बता दूं तो मतलब मैंने सिस्टम का क्या बता दिया, मैक्रोस। हम हमेशा थर्मोडायनामिक्स में किस चीज में इंटरेस्टेड रहेंगे, इस थर्मोडायनामिक सिस्टम की मैक्रो स्टेट जानने में। हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि यार इस सिस्टम का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का रिलेशन क्या है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कितनी है, गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की कितनी है। हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। हाउएवर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फिर हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी सेम सिस्टम पढ़ेंगे। इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी वुड डील इसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वी विल डील विद द थर्मोडायनामिक सिस्टम। अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में लाई कर रहा है तो मतलब क्या है बच्चों, बताओ जो भी थोड़ा बहुत समझ में आए। अगर एक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में लाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका क्या फिक्स्ड है, ये सारे पैरामीटर्स फिक्स्ड है, ये सारे पैरामीटर्स फिक्स्ड है, मतलब क्या फिक्स्ड है उसका, मैक्रोस्टेट इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो हम ऐसे सिस्टम को थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ेंगे, सेम सिस्टम को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे, फिर बदल क्या जाएगा,
यहां पर हम हर पार्टिकल के बारे में वरी नहीं करेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि ये वाला पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कहां पर लाई कर रहा है, ये वाला पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कहां लाई कर रहा है। वी वोंट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन इन थर्मोडायनामिक्स। रैदर इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी वुड बी डीलिंग विद द थर्मोडायनामिक सिस्टम लाइंग इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड वी वुड बी डीलिंग विद द सिस्टम माइक्रोस्कोपिकली। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीलिंग विद द सिस्टम माइक्रोस्कोपिकली? डीलिंग विद द सिस्टम माइक्रोस्कोपिकली मीन्स दैट आपको इस सिस्टम की हर डिटेल बतानी होगी, एक एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा। एक एक डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो मान लीजिए इस पार्टिकल का डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है कि ये कहां पर लाई कर रहा है और कितनी स्पीड से, कितने मोमेंटम से मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल की माइक्रोस्टेट, इस पार्टिकल का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देने के लिए मेरे को कितने वेरिएबल्स की मदद लगेगी? पहले बताओ, पोजीशन बताने के लिए कितने वेरिएबल्स की मदद लगेगी? हाउ मेनी वेरिएबल्स वुड आई बी रिक्वायरिंग? टू थ्री, एक्स वाई एंड जेड, वेरी गुड। सिमिलरली टू टेल द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल हाउ मेनी वेरिएबल्स आई वुड बी रिक्वायरिंग? थ्री, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, अगेन पी एक्स पी वाई पी जेड, मोमेंटम का कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स अलोंग वाई। मैं मोमेंटम का मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिमिलर टू पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर, सिमिलरली पी इज अ वेक्टर। सो देयरफॉर टू डिटरमाइन माइक्रोस्टेट ऑफ वन पार्टिकल we would require how many variable students? Minimum three. Six variables. तीन position के लिए, तीन momentum के लिए. So therefore, अगर ऐसे system में n particles हैं, तो micro state मेरे system की मैं कब बता पाऊंगा? जब मैं कितने variables की value बता दूं? Six into में n variables की. और वो six into n variables क्या होंगे? देखो, पहले वेरिएबल की पोजीशन, पहले वेरिएबल का मोमेंटम, सिक्स इसलिए हुए क्योंकि तीन पोजीशन के लिए, तीन मोमेंटम के, राइट? बिकॉज मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ऐसे ही दूसरे पार्टिकल के लिए भी मुझे सिक्स वेरिएबल चाहिएंगे, ऐसे ही तीसरे के लिए, ऐसे ही एनथ पार्टिकल के लिए। तो टोटल कितने वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी? कितने वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी माइक्रोस्टेट बताने के लिए? यू कैन से माइक्रोस्टेट इज अ सेट ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स? सिक्स इंटू में एन। सो एक बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों, फिर से बताता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल ये है वॉटर लाइंग इन दिस प्लास्टिक बोतल। तो यहां पे अगर मान लो मेरे को इस सिस्टम को थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है, बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में मुझे इस सिस्टम को पढ़ना है, तो इस सिस्टम के बारे में हम कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे? हम पूछेंगे यार इसका टेम्परेचर कितना चल रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है ये वॉल्स पे, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, इस सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी कितना है। फिर अगर मैं इस सिस्टम को नीचे से हीट कर दूं तो इसके ये पैरामीटर्स कैसे चेंज हो जाएंगे? मतलब थर्मोडायनामिक्स में हम इस सिस्टम को एज अ होल पढ़ेंगे। इस सिस्टम को एज अ होल पढ़ना मतलब क्या बोलते हैं हम उसको? स्टडिंग द सिस्टम मैक्रोस्कोपिकली। तो बताओ, मैक्रोस्कोपिकली अगर मेरे को इस सिस्टम को जानना है तो मुझे इस सिस्टम का क्या क्या बताना होगा? रिपीट, क्या क्या बताना होगा? वेरी गुड। So I need to tell the values of all these thermodynamic parameters अगर मेरे को इस सिस्टम को thermodynamics में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। सिमिलरली अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, अब हम सिक्स सेमेस्टर में आ गए, हम ग्रेजुएट होने वाले हैं, अब हमें इसको स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ना है सेम सिस्टम को। तो हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से? ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, साथ में हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछने लगेंगे। हम कहेंगे अच्छा मान लेते हैं इसमें वन मोल पार्टिकल है। वन मोल पार्टिकल मतलब कितने पार्टिकल? एनी वन, 6.023 ठीक है, मान लेते हैं इसमें 10^23 पार्टिकल है। तो हम पूछेंगे कि पहला पार्टिकल कहाँ लाई कर रहा है,
पहला पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरा कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तीसरा कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब हम हर पार्टिकल के बारे में वरी करेंगे कहां पे स्टैटिक। तो अभी के लिए आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में याद रखेंगे, क्योंकि हम तो पूरा पूरा इन दोनों सब्जेक्ट को ही तो पढ़ने वाले हैं 60 घंटे में, सब नहीं समझ में आने वाला। सर जो भी बातें कर रहे हैं पार्शली समझ में आएंगे क्योंकि ये तो हम पढ़ेंगे अब। तो आपके लिए थर्मोडायनामिक्स कैसी स्टडी है बेटा? मैक्रोस्कोपिक स्टडी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैसी स्टडी है? माइक्रोस्कोपिक। बस अभी के लिए आप लोग इतना याद रखेंगे। और थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बीच में एक थ्योरी आती है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक थ्योरी। इज इट क्लियर या इज इट पार्शियली क्लियर? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। क्विकली नोट दिस डाउन, क्विकली नोट, इसको नोट कर लीजिए। अलाउ मी टू स्टार्ट विद टॉपिक नंबर वन। यस सर। करो करो नोट। लेट मी आल्सो टेक रेस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, 5 to 10 seconds। अच्छा, let me quickly introduce all of you with me, with myself. My name is Dr. Sahil. I have graduated from Hansraj College. And similar to you people, when I was in my third year, I was also worrying about my future. I also worked hard for getting admission in IIT. So I also appeared in JAM Physics MSc entrance exam. And my All India rank was 13. It is 13. ठीक है। Also along with this, my rank in Delhi University, not only in my college, in complete Delhi University, right, in graduation in BSc Honors Physics. I scored 92% marks and my rank was first. Because of this, I was given with a gold medal by Vice Chancellor of Delhi University. So, clear? After that, with All India rank 13, after that, I've done my PhD in physics. Okay, also, my rank in MSc physics, University rank in MSc Physics was again first, for which I was awarded with MSc के बाद और PhD से पहले आपको एक एंट्रेंस और देना पड़ता है। Anyone who know about this? दोनों ने सही बोला, गेट और साथ में एक और देना पड़ता है। नहीं, in gate my all india rank was 63, in net my all india rank was 83. I have cleared net exam for 2 times because I wanted to improve my rank. Also 83 was also a respectable rank, but next time when I gave it, my rank improved only by 2 numbers. So my rank improved from 83 to 81. So I appeared in net exam 2 times. So I cleared my net exam with GRF. Tabhi time milega तो मैं बताऊंगा क्लियरिंग नेट एग्जाम विद जीआरएफ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, राइट? क्लियर? एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 8 इयर्स, सो यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल विद मी। आई नो माय सब्जेक्ट टू वेरी डेप्थ, मतलब मेरे अपने सब्जेक्ट में मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है। आप मुझे किसी भी क्वेश्चन में किसी भी लेवल पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आई वुड ऑलवेज बी ओपन फॉर यू। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Right. And recently, I have done my research with few Nobel laureates. Time मिलेगा तो मैं बताऊंगा. And I was in Germany for 2 years. And for a few months, I was in Bulgaria. Bulgaria को तो नाम भी नहीं सुना होगा बच्चों ने. सुना खतरों के खिलाड़ी में सुना होगा. खतरों के खिलाड़ी में ठीक है चलो तो बाकी ग्रेजुअली वी विल डिस्कस. आते हैं वापस. सो लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक नंबर वन. कैन आई रेज द बोर्ड स्टूडेंट्स? हाँ बट एक चीज है, ये एक दिन की मेहनत नहीं थी, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था. मतलब 3 साल बीएससी के ये अटेन करने के लिए प्लस ऑल इंडिया रैंक 13 अटेन करने के लिए आई वॉज वर्किंग ईच डे. आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड ईच डे. सो सिमिलर इज वैलिड फॉर यू पीपल. अगर आपको कुछ अचीव करना है आज से 1 साल बाद, सो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टूडे इटसेल्फ. क्लियर? मेक योर टाइम टेबल एंड बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट. ये नहीं है टाइम टेबल आज बना लिया, 2 दिन उसी को फॉलो किया, तीसरे दिन से फॉलो नहीं किया. सर केएस कृष्णन गोल्ड मेडल किस मतलब किस फील्ड में मिलता है? सर केएस कृष्णन गोल्ड मेडल उनको दिया जाता है जो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आते हैं. और केएस कृष्णन कौन थे? डू यू नो दैट ही वाज द वन हु वाज इन्वॉल्वड विद सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट को डेवलप किया था. ठीक है? एंड उन्होंने ही नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सुना होगा, सीएसआईआर की एक नेशनल फिजिकल एनपीएल, सीएसआईआर एनपीएल सुना किसी ने? तो उन्होंने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की स्थापना की. देयर आर फ्यू रिसर्च लेबोरेटरीज जो प्रोफेसर केएस कृष्णन ने, और उन्होंने बहुत सारे फिनोमिना को भी डेवलप किया है. मतलब ही इज वन ऑफ द रेनॉन्ड साइंटिस्ट. तो उनके नाम पे ये गोल्ड मेडल बना दिया गया है. ये किनको मिलता है? जो पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता. चलो सो अब कुछ देखो. थर्मोडायनामिक्स में हम लोग काफी बार कुछ मैथमेटिक्स टैकल करेंगे. ठीक है? तो जब भी कोई मैथमेटिक्स आएगा तो आई वुड बी वेरी स्लो ऑन दैट, बिकॉज वन थिंग आई नो कि अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में से 70 ने ग्रेजुएशन में कुछ खास पढ़ा ही नहीं किया. और मे बी अब ये 70-80 में कन्वर्ट हो गए हो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग. राइट? इफ यू पीपल इफ आई आस्क यू पीपल होनेस्टली, तो कौन कौन कैन सीरियसली से कि यार हाँ हमने अच्छा पढ़ाया गया है हमको ग्रेजुएशन में, हमने अच्छा पढ़ा है उसके बावजूद? हार्डली अ फ्यू इन नंबर. सो देयर फोर स्टूडेंट्स, मेरी स्ट्रेटेजी स्पेशली थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाते वक्त ये रहती है, और आप लोगों के साथ भी यही रहेगी. I would be thinking कि मेरी क्लास में जो आ रहा है उस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता, उसने थर्मल आज तक नहीं देखी. मतलब उसको ये भी नहीं बता के थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसको कुछ नहीं आता. सो आई वुड बी वेरी स्लो इन माई इनिशियल क्लासेस, सो दैट आप सब लोग उस बेस तक आ सकें जिस बेस से मैं एक अज्यूम करूंगा कि यार एक ग्रेजुएशन वाला बच्चा थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के जो आया होगा वो होगा, या एटलीस्ट उसको कुछ ABCD आती होगी. सो थ्रू आउट द सेमेस्टर, थ्रू आउट दिस कोर्स, मेरा फंडा यही रहेगा, कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाना, उसके बाद काफी न्यूमेरिकल, 1-2 नहीं काफी न्यूमेरिकल बच्चों को एक्चुअली सॉल्व कराना, ताकि उनको ये पता चल सके कि यार अप्रोच क्या होती है. और फिर उसके बाद उनको होमवर्क देना, एक बिग चंक होमवर्क देना. ठीक है? बार बार याद रख लो, आपको सर ने एक बुक बताई है, कौन सी किताब बताई है फॉलो करने के लिए? क्लास नोट्स. ठीक है? लिख लो दोबारा, किसी ने मिस कर दिया है तो. बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, दैट्स ऑल. बट इसके लिए आपको डेली क्लास में आना पड़ेगा,
सर से आपको n नंबर ऑफ डाउट्स पूछने पड़ेंगे विद n बीइंग वेरी लार्ज. सर को आपको बार बार रोकना पड़ेगा. अगर आप ऐसा करेंगे तो टेक इट एज अ वर्ड फ्रॉम मी, 15-20% एग्जाम की गारंटी मेरी, कहीं नहीं गए, आराम से. और वो आपको इतना हेल्प करेगा ना सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, आपकी एक रिस्पेक्टेबल रैंक जरूर आएगी. क्लियर? बस यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू कम डेली एंड मेक योर नोट्स. ये नहीं है कि हम इस चीज पर डिपेंड करेंगे कि यार हमको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, जो भी स्तर पढ़ा रहे हैं वो हमको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल रहा है, हमको उसके नोट्स भी मिल जा रहे हैं, फिर हमको इंस्टीट्यूट से मटेरियल भी मिल जा रहा है ना. नोट्स अपने खुद अपना जितना समझ में आता है उसी वे में बनाएंगे. हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कुछ मैथमेटिक्स है जो हम बार बार थर्मोडायनामिक्स में यूज करें, उसमें से कुछ मैथमेटिक्स मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, कुछ थोड़ा सा. ग्रेजुअली जो हम यूज करेंगे वो तो हम ड्यूरिंग द टॉपिक पढ़ लेंगे, बट एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो थर्मोडायनामिक्स में आनी चाहिए. नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि थर्मोस्टेट में इन टोटल कितने चैप्टर्स रहेंगे, इन टोटल कितनी असाइनमेंट्स रहेंगी, हर चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा एग्जाम में, ताकि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें. चलो कुछ चीजें पूछता हूं आप लोगों से और अब आपको ये चीजें आनी चाहिए. लेट वाई बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल, आंसर सुनना और फिर आंसर करना. लेट y बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और मान लेते हैं y डिपेंड कर रहा है x1 और x2 पे. तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी हाउ टू राइट टोटल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव? एनी वन? इन डिफरेंशियल फॉर्म dy टोटल डेरिवेटिव कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एज फॉलोज. कैसे एट x2 कॉन्स्टेंट इंटू में डी एक्स वन प्लस डो वाई वाई डी एक्स टू एज एक्स वन एज कॉन्स्टेंट. ओके, सो एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए सर. वन पॉइंट से दोबारा करना सर, कनेक्शन कट गया था बीच में. हाँ, यही है कि अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो डिपेंड कर रहा है x1 और x2, मतलब y एक फंक्शन है x1 और x2 का, तो टोटल डेरिवेटिव dy को कैसे लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव? आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, मैं इसको कैसे डिनोट करता हूं, कैसे क्या नोटेशन यूज करता हूं मैं इसको. इस सिंबल को कुछ बच्चे डो बोलते हैं, तो मैं कभी कभी डो भी बोलूंगा. कुछ बच्चे इसको डेल भी बोलते हैं, डेल. कभी कभी मैं आप मेरे से डेल भी सुनोगे, डेल वाई बाई डेल एक्स वन, डो वाई बाई डो एक्स वन कीपिंग एक्स टू कॉन्स्टेंट. या फिर मैं इसको करली भी बोलूंगा, करली वाई बाई करली एक्स वन कीपिंग एक्स टू कॉन्स्टेंट डी एक्स वन प्लस करली वाई बाई करली एक्स टू कीपिंग एक्स वन कॉन्स्टेंट डी एक्स टू. तो तीन डिफरेंट टाइम्स पे इसको बोला जा सकता है, डो डेल एंड करली. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, नाउ एज अ इंपॉर्टेंट नोट, यू मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग. इफ कहीं पे अगर आप देख लो लिखा हो क्वेश्चन में कि dy इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कहीं अगर लिखा हो कि dy इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देन क्या रिजल्ट फॉलो करता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल, dy एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मैटर नहीं करेगा. समझ में आया? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव मैटर नहीं करेगा. इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन फर्स्ट कीपिंग एक्स टू कॉन्स्टेंट, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू कीपिंग एक्स वन कॉन्स्टेंट,
किसके बराबर होगा कि अगर मैंने y का पार्शियल डेरिवेटिव लिया होता विद रिस्पेक्ट टू x2 फर्स्ट कीपिंग x1 कांस्टेंट और फिर पार्शियल डेरिवेटिव लिया होता विद रिस्पेक्ट टू x1 कीपिंग x2। क्लियर है? इतना क्लियर है कि अगर dy एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो हम ये मैथमेटिकल रिलेशन लगा सकते हैं। सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है इसके कुछ एग्जांपल्स रिवाइज इट राइट नाउ। आपके लिए सर ने एक मैथमेटिक्स बताया है कि अगर dy एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो क्या रिलेशन फॉलो करेगा? ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में मैटर नहीं करता। इतना क्लियर है? अब एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट क्या होता है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ आपको इतना रिक्वायर्ड है कि अगर थर्मोडायनामिक्स में कहीं पे एग्जामिनर लिख दे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो अगर डीवाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव मैटर नहीं करता। इसको हम कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ओके, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर टू। मान लेते हैं कि x, y एंड z आर थ्री वेरिएबल्स रिलेटेड बाय अ रिलेशन। अगर तीन वेरिएबल्स में एक रिलेशन एग्जिस्ट करे तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और कितने डिपेंडेंट हो गए इन तीन में से? अगर तीन रिलेशन में एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो कितने डिपेंडेंट वेरिएबल, कितने इंडिपेंडेंट? एक वेरिएबल डिपेंडेंट, दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अगर तीन वेरिएबल्स में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इन तीनों में से कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह जाते हैं? सिर्फ दो, क्योंकि अगर आपको दो की वैल्यू पता है तो उस रिलेशन को यूज करके आप तीसरे की निकाल सकते हो हमेशा। यस सर नो? यस सर। ओके, तो अगर एक्स वाई जेड में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो रिलेशन कुछ भी हो हमें मैटर नहीं करता, अगर एक्स वाई जेड में एक रिलेशन, कोई भी रिलेशन, लेट अस से एक्स स्क्वायर इनटू में वाई इक्वल टू जेड, एक्स वाई जेड इक्वल टू वन, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, कोई भी एक्स वाई जेड में कोई भी एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ऐसा है तो ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ये वाली इक्वेशन को हमेशा एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करेंगे, देन ओलर्स इक्वेशन, ओलर्स रिलेशन इज वैलिड, होल्ड्स ट्रू फॉर एक्स वाई जेड। और ओलर रिलेशन होता क्या है सब लोग देख लो, डेल एक्स बाय डेल वाई कीपिंग जेड कॉन्स्टेंट इंटू में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट इंटू में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट। ये किसके बराबर होता है बेटा? माइनस वन के। माइनस अब सर ने ये कैसे लिखा है, अगर ध्यान से देखो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई। देख लो एक्स वाई जेड को अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखोगे तो पहले कैसे लिखोगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, फिर वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, उसके बाद जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। क्लियर? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को एक साइक्लिक ऑर्डर में कैसे लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, डेल एक्स बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट जेड, फिर डेल वाई बाई डेल जेड एट कॉन्स्टेंट एक्स, फिर डेल जेड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा बेटा? माइनस वन। माइनस वन सर, ये सिर्फ इसके लिए है, एग्जैक्ट के लिए है? नो, यहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ बोला है? मैंने बोला है कि अगर एक्स वाई जेड में कोई भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करे, कोई भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम इसको थर्मोडायनामिक्स में कहाँ यूज करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में हमेशा एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, किसी भी सिस्टम के लिए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एक रिलेशन से रिलेटेड रहेंगे, तो इसीलिए पीवीटी ओलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओलर रिलेशन अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के लिए लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, ओलर्स रिलेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कैसे लिखेंगे आप कोई बोल के बताए, इसको नहीं देखना, कोशिश करो इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखवा के बताने की कोशिश करो। डेल एक्स बाय डेल वाई,
del p by del v बस मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि कल को अगर मैं आपसे पूछूं यार पीवीटी में ऑलर रिलेशन याद है तो आप इसको तुरंत बता दो. बस इसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये तो हम देखेंगे, सब डिटेल में देखेंगे. बट आई वॉन्ट कि बच्चों को बस ये सिंपल मैथमेटिक्स ये दो तीन चीजें पता हो. नहीं पता तो आप रिवाइज कर लेना, रिवाइज नहीं भी करना तो इतना थोड़ा मेमोराइज करना. इज इट क्लियर? कुछ थोड़ा बहुत क्लियर है? हाँ या ना? यस सर. ओके, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर वी आर गोइंग टू मीट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरियस लॉज. आपने पढ़े होंगे बचपन में, कभी ना कभी नाम तो सुना होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन. किसी को याद है थोड़ी बहुत? यस सर. ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आप लोगों को लीव नहीं कर रहा. हम क्या करते हैं, थोड़ा प्री कैप देख लेते हैं ऑफ माय नेक्स्ट लेक्चर क्विकली. क्या रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में? तो जैसा कि मैंने कहा, बच्चों ने थर्मल फिजिक्स 11th क्लास में एनसीईआरटी की किताब में कुछ पढ़ा था. मैं बिल्कुल वहीं से शुरू करने वाला हूं, बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ. कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आइडियल गैस की यार इक्वेशन ऑफ स्टेट थोड़ी बहुत भी धुंधली धुंधली याद है, बताना चाहोगे? वेरी गुड. उसके बाद क्या रियल गैस भी यही इक्वेशन फॉलो करेगी या वो वैन डर वाल्स? वो फॉलो करेगी वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट. और उस वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती थी? पी प्लस माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. ओके, फिर उसके ये सब चीजें हम बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे यार, ये हमको कभी किसी ने शांति से पढ़ाई नहीं. सब लोग अज्यूम कर ले, ग्रेजुएशन में तो हमको थर्ड सेमेस्टर में तो पता नहीं क्या समझ लिया जाता था कि हमको तो सब आता है. टीचर एक प्री अजम्पशन से चलता है कि बच्चों को तो सब आता है, बट हमारे सर ऐसे नहीं थे. बंसल सर ने हमें ऐसे नहीं पढ़ाया जिनकी किताब आप पढ़ते. हमें एक एक चीज बिल्कुल खोल खोल कर समझाई गई थी. तो सेम आई एम डूइंग विद माई स्टूडेंट एंड सेम मस्ट बी डन. शुरू की क्लासेस में अगर बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया जाए, दे विल कनेक्ट विद. सो सेम आई एम गोइंग टू डू. फिर इसके बाद यार ये आइडियल क्यों बोली जाती है हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे. फिर रियल गैस आइडियल गैस से कैसे डिफरेंट है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द गैसेस. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल. ये मेरे नेक्स्ट क्लास का प्री कैप रहेगा. हो सकता है आप में से कुछ लोग को ये तो हमें सब आता है, ठीक है, आता है तो सुन लेना. जिसको नहीं आता उनके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है. क्लियर है भाई सबको? यस सर. यस सर. चलो ओके स्टूडेंट्स, सो आई वुड लाइक टू कॉल इट अ डे. थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट. थैंक यू सर. सर अब थर्मोडायनेमिक्स खत्म करने के बाद स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे. हां, दैट वुड बी माय स्ट्रेटजी. थर्मोडायनेमिक्स, देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड देन स्टैटिस्टिकल मॉडल. अच्छा ठीक है सर. ओके जी.